गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइलम टेनोफोरा, पेज 51, नेक्स्ट फाइलम। अब टेनोफोरा जो होते हैं, इनको इनके लिए लिखा है इन्होंने कि इनका दूसरा नाम है सी वॉलनट्स या पाम जेलीज। सी वॉलनट्स पाम जेलीज, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि एक्सक्लूसिवली मैराइन ऑर्गेनिज्म। इस तरह से जैसे मैं पॉइंट्स बना के बता रहा हूँ, इसी तरह से सबको बनाने अपनी कॉपी में। और फिर लिखा है दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, यानी कि वो सिर्फ एक्वेटिक तो है ही, साथ में सिर्फ समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। एक्सक्लूसिवली मैराइन। अगली फीचर क्या है? रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोप्लास्ट। रेडियली सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या बताया था? जितनी बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे, उतनी बार इन चीज़ों को मन में रिवाइज कर लेना कि इसका मतलब क्या होता है। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब है कि एक से ज़्यादा ऐसे प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सके, उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री वो होती है जिसमें ऐसा सिर्फ एक ही प्लेन एग्जिस्ट करता है। रेडियली सिमेट्रिकल के बाद है डिप्लोप्लास्ट। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि दो जर्मिनल लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं, एक तो एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो टिश्यूज में ऑर्गेनाइज है, ना तो ऑर्गन्स में, ना ऑर्गन सिस्टम्स में, ना सेल्स में। इसके बाद द बॉडी बियर्स एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। अब इन कॉम्प्लेट्स का फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन है फूड को कैप्चर करना, हेल्प इन लोकोमोशन एंड फूड कैप्चर। और यहाँ पर हमें दिख भी रहा है फिगर 4.8 में टेनोफोरा का एग्जांपल दिया है। ऑर्गेनिज्म का नाम है प्लूरोब्रैकिया, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी देखना, प्लूरोब्रैकिया। इसके बाद डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब है कि एक ऐसी कैविटी है एलिमेंट्री कैनाल जैसी जिसके अंदर फूड का डाइजेशन होता है, सेल से बाहर एक ल्यूमेन जैसा स्पेस वहां पर होता है। इसके बाद है एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर भी है। इंट्रा सेलुलर का मतलब क्या है कि सेल के अंदर भी डाइजेशन हो रहा है, सेल ने फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद वो उसका ब्रेकडाउन कर रहा है। नेक्स्ट है बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिन। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइट एमिट करने की एबिलिटी है। प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन टेनोफोर्स, ये इनके अंदर विशेषता है। सेक्सेस सेपरेट नहीं है, इसका मतलब ऑर्गेनिज्म कैसा है, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल और फीमेल, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब सेक्स इज नॉट सेपरेट, ये है इनकी अगली विशेषता। इसके बाद अगले आते हैं रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि इससे पहले हम तो देख रहे थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता था, किसमें, टेलेंट्रेटा में या फिर पॉलीफेरा में, वो इसके अंदर अब नहीं होता। यानी कि जैसे जैसे हम एडवांस फाइलम में जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों बाहर एक्वेटिक मीडियम में रिलीज हो जाते हैं और वहीं पर वो फ्यूज होते हैं, उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि एक ऐसी लार्वल स्टेज आती है जो कि एडल्ट से अलग होती है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जांपल देखो क्या दिए हैं, क्लियोरोब्रैकिया और टेनोप्लैना। इसके बाद नेक्स्ट फाइलम है, इस फाइलम का नाम है प्लेटीहेलमिंथिस। प्लेटीहेलमिंथिस यानी वॉर्म्स। प्लेटीहेलमिंथिस, प्लेटीहेलमिंथिस में प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिंथ्स का मतलब होता है वॉल, तो इन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं फ्लैट वॉल। ये इनकी पहली विशेषता, इनकी बॉडी होती है फ्लैट। पहली लाइन में लिखा है कि दीज आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी का मतलब है कि इनकी बॉडी इस तरह से फ्लैट होती है कि उसका एक पार्ट डॉर्सल होता है और एक पार्ट वेंट्रल होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे सपोज करो ये डस्टर है, इस डस्टर इस तरह से फ्लैट है कि इसका एक पार्ट ऊपर वाला पार्ट कहलाता है, एक पार्ट नीचे वाला पार्ट कहलाता है। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ऑर्गेनिज्म का उसे डॉर्सल पार्ट कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रल पार्ट कहते हैं। लेकिन अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, ये पेन है, तो पेन तो गोल होता है, तो इसका ना तो कोई ऊपर होता है ना नीचे होता है, ये चारों तरफ से गोल होता है, ठीक है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, इनमें डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड नहीं होते, जबकि ऐसे ऑर्गेनिज्म डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। ह्यूमन बींग्स भी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, क्योंकि इनका ये वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट कहलाता है, ये वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट कहलाता है, तो ये डॉर्सल हो गया और ये वेंट्रल हो गया। के बाद नेक्स्ट है, दे आर एंडोपैरासाइट्स। दे आर एंडोपैरासाइट्स यानी ऑर्गेनिज्म जो इनका होस्ट है उसके अंदर रहते हैं, वहां जाकर उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, सपोज ये ऑर्गेनिज्म ये की बॉडी है, तो वॉर्म दे, तो इसमें एक ऐसा प्लेन एग्जिस्ट करता है जिसके अलॉन्ग इसकी बॉडी को इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि इधर जो बॉडी है वही इधर बॉडी है, इस वाले प्लेन में डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट हेड पार्ट है और नीचे वाला पार्ट क्या टेल पार्ट है, इसीलिए एक ही ऐसा प्लेन है। के बाद नेक्स्ट है क्रिप्टोब्लास्टिक एंड डिसिलोमिनेट। क्रिप्टोब्लास्टिक का मतलब है तीन जर्मिनल लेयर्स, ट्राइएड। इसके बाद क्या है एसिलोमिनेट। एसिलोमिनेट का मतलब है कि इनके अंदर सिलोम एब्सेंट होता है, सिलोम प्रेजेंट नहीं है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, बॉडी ऑर्गेनाइज होती है ऑर्गन्स में। नेक्स्ट फीचर है हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स। अब जैसे ये लोग पैरासाइट्स हैं तो इनको अपने होस्ट से अटैचमेंट के लिए, उसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए हुक्स एंड सकर्स की जरूरत होगी, वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हुक्स एंड सकर्स, हुक्स एंड सकर्स क्या हैं, ऐसे डिवाइस हैं माउथ ऑर्गन्स के पास जहाँ से अटैच कर सकते हैं और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके बाद है सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेसेस, यानी ये भी फीचर है कि माउथ की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बॉडी के सरफेस से ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं।
स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है, मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट सॉल्ट एंड वाटर कंसेंट्रेशन इन साइड द बॉडी। बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर कंसेंट्रेशन को कॉन्स्टेंट मेंटेन करके रखना। तो एक तरह से ये क्या चीज़ है, ये यूरिन फॉर्मेशन का ही दूसरा नाम है। यूरिन फॉर्मेशन कह लो, वेस्ट रिमूवल कह लो, ऑस्मो रेगुलेशन कह लो, तीनों का एक जैसा ही मतलब है। तो फ्लेम सेल्स यहाँ पर वो काम करते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, फ्लेम सेल्स फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इसके बाद नेक्स्ट है, सेक्स इज नॉट सेपरेट, सेक्स इज नॉट सेपरेट का मतलब है कि दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाएंगे, यानी कि वो हर्माफ्रोडाइट होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाके गैमेट फ्यूज होंगे, ना कि बाहर। डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, तो जैसे मैं पॉइंट्स बना रहा हूँ इसी तरह से पॉइंट्स सबको बनाने अपने कंप्यूटर में। कई सारी लार्वल स्टेजेस आती हैं एडल्ट बनने तक। इसके बाद सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। रीजनरेशन वाली बात 10th क्लास में हम पढ़ के आए कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी कई फ्रेगमेंट्स में अगर कट जाती है एक्सीडेंटली, तो हर एक फ्रेगमेंट एक नए एडल्ट ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, इसको रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट होगा, पॉइंट नोट्स बनाने में, उसमें हम लिखेंगे एग्जांपल्स, जैसे कि टीनिया और फेसियोला। टीनिया टेपवॉर्म लिखा है उसका कॉमन नेम, और फेसियोला का है लिवर ट्यूब। तो इससे हमें ये पता लगता है कि लिवर ट्यूब जो है लिवर में इन्फेक्शन करता है, यानी फेसियोला। फेसियोला का पूरा नाम फेसियोला हिपैटिका है, उससे भी पता लग रहा है कि हिपैटिका यानी लिवर। टीनिया जो है टेपवॉर्म, ये कहाँ पाया जाता है, ये एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम में, जिस फाइलम का नाम है फाइलम स्केलमेंटिस। देखो, जब जैसे तुम अलग अलग फाइलम्स को पढ़ रहे हो या कैटेगरीज पढ़ रहे हो ऑर्गेनिजम्स की, तो उसमें ये ध्यान रखना कि इवोल्यूशन इस तरह से काम करता है कि जब एक एडवांस फीचर आ जाती है तब आगे या तो वही कंटिन्यू होती है या फिर उससे एडवांस फीचर आ जाती है, कभी भी पीछे नहीं जाती। जैसे अगर जब ट्रिप्लोब्लास्टिक आ जाएगा डिप्लोब्लास्टिक से, तो उसके बाद वापस डिप्लोब्लास्टिक आगे की कैटेगरीज में देखने को नहीं मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बार देखने को मिलेगी, तो उसके बाद सेक्सुअल देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, ये वाली बातें याद रखने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट है फाइलम है एसके हेलमिंथिस। एसके हेलमिंथिस जो है सर्कुलर है क्रॉस सेक्शन में, इसीलिए इन्हें कहते हैं लॉन्ग वॉर्म्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज लॉन्ग वॉर्म्स, यानी कि इनके अंदर वो वाली डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी नहीं है, चारों तरफ से गोल है, जैसे पेन का एग्जांपल लिखा। दे मे बी फ्री लिविंग एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, यानी कि जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी। दूसरी बात, फ्री लिविंग एज वेल एज पैरासिटिक, यानी पैरासाइट भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग यानी कि स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं। इसके बाद है, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
पहली बार कोई ऑर्गेनिज्म आया जिसमें कि ऑर्गन सिस्टम लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, और उस अगर ये इस तरह के सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तो उसको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सिमेट्री इनके अंदर है, बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि ऐसा एक ही प्लेन एग्जिस्ट करता है जो इक्वली डिवाइड कर दे। बायलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट फीचर ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब तीन जर्मिनल लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म, और स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट का मतलब है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और सिलोमेट मतलब सिलो। इनके अंदर फॉल्स कैविटी है, और वो कैविटी कैसी होती है जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखा है कि वो कैसी है, पैचेस में प्रेजेंट है, एंटायरली एक कैविटी प्रेजेंट नहीं है, तो उसे स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इनके अंदर कंप्लीट है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है कि उसमें माउथ भी है और एनस भी है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है कि माउथ भी होना और एनस भी होना, माउथ और एनस अलग अलग होना, ये है कंप्लीट। क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि उनकी जो एक ओपनिंग है माउथ, उसी से वो एनस का काम भी लेते हैं, है ना। इससे पहले के ऑर्गेनिजम्स में हमने देखा था। इसके बाद नेक्स्ट ये है वेल डेवलप्ड मस्कुलर कैरियंस। मस्कुलर फेरिंग्स का मतलब है कि इनका जो माउथ होता है वो मस्कुलर होता है, और कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है, जिसकी मदद से क्या है, बहुत आसानी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं होस्ट से। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास है एक्सक्रीटरी ट्यूब। अगली बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि मेल ऑर्गेनिज्म अलग है, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग है, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, जैसा कि फिगर 4.10 में दिया है, मेल अलग है और फीमेल अलग है। तो पहली बार किसी फाइलम में ये फीचर आई है, तो ये एक एडवांस फीचर है। ये वाला जो फिनोमेना है इसको कहते हैं डायोएशियस। डायोएशियस का मतलब है कि मेल एंड फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। अगर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक में ही पाए जाएंगे तो उसे कहेंगे मोनोएशियस, ठीक है। तो डायोएशियस का मतलब क्या होता है, डायोशियस मीन्स यूनिसेक्सुअल, और मोनोशियस का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल। इसके बाद नेक्स्ट है ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। वो तो दिख ही रहा है डायग्राम में कि फीमेल्स बड़ी हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि गैमेट्स बॉडी के अंदर फ्यूज होंगे, अंदर आकर वो जायगोट बनाएंगे। डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब है कि एक लार्वल स्टेज जो एडल्ट से अलग हो वह एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। अगर करेगी तो उसे इनडायरेक्ट करेंगे, और अगर ऐसी लार्वल स्टेज जो कि एडल्ट से अलग हो एग्जिस्ट नहीं करती तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल्स देखो क्या क्या दिए, एस्केरिस, बुचेरेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा। इनके कॉमन नेम भी याद रखने हैं, एस्केरिस यानी राउंड वॉर्म, बुचेरेरिया यानी फाइलेरिया वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा यानी कि हुप वॉर्म। और जैसा कि तुम देखने से ही पता लगा रहे हो कि ये सब ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे फाइलम एनेलिडा। थैंक यू।